तो आज की वीडियो में हम खाएंगे पिज्जा, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में। लेकिन उससे पहले वेलकम टू ओए फूडी। तो भैया आज हम आए हैं यहाँ पे। आपने पिज्जा तो बहुत खाए होंगे, पर जो मैं आज आपको खिलाने वाला हूँ वो पिज्जा नहीं है, वो पिज्जा डोसा है। तो पिज्जे की तलाश में आज हम आ चुके हैं फरीदाबाद NIT में, ज्योति साउथ इंडियन फूड में। तो फिर क्या था, मैं गया और मैंने बोला कि भैया आप कौन सा डोसा खिलाओगे, पर भैया ने कहा कि आप मसाला डोसा खा सकते हैं, पर हमारे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए कि पिज्जा डोसा भी आप खा सकते हैं और आपको पिज्जा का फ्लेवर मिलेगा। तो मैंने कहा यार मसाला डोसा तो हर कोई खाता है और हर किसी ने खा रखा होगा, तो आप जो स्पेशल है वो खिलाओ। तो भैया ने कहा कि चलो मैं आपके लिए पिज्जा डोसा बनाता हूँ। ये तो हमारा पिज्जा डोसा बन रहा है, तो वो देख, पिज्जा डोसा हमारा बन रहा है। ये उदय जी है, पिज्जा बना रहे हैं, जो ज्योति साउथ इंडियन फूड के ऑनर है। क्या क्या डाल रहे हैं आप? अनियन है, कैप्सिकम है जी। पर हमारा डोसा बन रहा है पिज्जा की तरह, देखो। और ये क्या है जी? ये ब्लेंड चीज है जी। कौन सा ब्लेंड चीज है ये? ठीक है, ये चीज डाला जा रहा है अभी। अभी ये मोर्ज़िला चीज़ डाला जा रहा है, देखिए बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह बनाया जा रहा है। बस नॉर्मल जो आप पिज्ज़ा खाते हैं उसका बेस मैदे का होता है, बट ये है जो इस चावल का, चावल और दाल के बेस के ऊपर हम नॉर्मली जो पिज्ज़ा बनाते हैं उसी का, बिल्कुल आपको वही स्वाद मिलेगा आपको खाने में, उससे बेस्ट ही मिलेगा। अब ये क्या डाला? चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, अच्छा। मेकिंग के बाद ऑनर ने अपनी स्टोरी भी बताई, जिनका नाम उदय है। एक्चुअली मैं पहले जब छोटा सा था, घर में हम दो भाई और एक बहन थे, गरीब घर से थे, पढ़ाई करता था, 10वीं तक मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने सोचा कि घर का पालन पोषण नहीं हो पाता था, इस वजह से कुछ अलग करने का मेरे मन में ख्याल आया। तो मेरे बाबा जी हैं जो यही साउथ इंडियन लाइन के काम करते थे, जो काफ़ी बड़े शेफ भी हैं। तो जैसे जब मैं स्कूल पढ़ता था तो शाम के टाइम में फ्री होके मैं उनकी शॉप पे चला जाया करता था। धीरे धीरे मैं अपने हाथ में हुनर हासिल करता गया, फिर मैंने अपने आप खुद पढ़ाई छोड़ दी मैंने वहाँ से। फिर पिताजी के कम सैलरी के कारण हम लोगों का घर का पालन पोषण नहीं हो पाता था, तो फिर हमने एक छोटी सी रेड़ी ली, किराए पर ली। किराए पर लेने के बाद हमने उसको काम किया, अच्छा स्वाद दिया लोगों को, काफ़ी स्ट्रगल किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर भगवान की कृपा से हमने किराए की रेड़ी छोड़ के अपनी रेड़ी बनाई थी, शादी ब्याह का भी ये भी काम करने लगे। उसके बाद स्ट्रगल करते करते काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, फिर अब हमने काम तो चालू कर दिया। अब सबसे प्लस पॉइंट ये था जो इसको किसका नाम दिया जाए, तो मेरी छोटी सिस्टर है इसका नाम ज्योति है, फिर मैंने उसके नाम पर ये अपना काम चालू किया। और ये आज से ज्योति साउथ इंडियन फास्ट फूड ही चल रहा है? हाँ जी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। अब ये बताइए कि आपने जो आप डोसा बना रहे हैं, कौन सी उम्र से आपने स्टार्ट किया? 14-15 साल का था जब से मैंने ये काम चालू। और आज आपकी उम्र कितनी हो गई? आज 33 साल है। 35 साल। और डोसे के अलावा और क्या क्या बेचते हो? डोसे के अलावा जी सांभर वड़ा हो गया, दाल वड़ा हो गया जो चने की दाल का वड़ा होता है, इडली है, इडली फ्राई भी रखते हैं, उत्पम है, उत्पम में भी कई वैरायटियां हैं, डोसे में भी कई वैरायटी है। उसके अलावा हम लोग उपमा भी बनाते हैं जैसे कस्टमर का डिमांड होता है, रसम भी बनाते हैं। आपकी दुकान की टाइमिंग क्या क्या है? टाइमिंग हम यहाँ पे 1:30 बजे आ जाते हैं, 1:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक लगाते हैं, 10:15 बजे तक। तो
तो गाइज हमारा पिज़्ज़ा डोसा लग चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, भैया ने कितना बढ़िया से बनाया है। और साथ में मैंने ली है इनका इडली वड़ा और दाल वड़ा, जो कि प्याज से इनकी चटनी बनी है हरी वाली, और सबको जो सबकी फेवरेट रहती है डोसे में नारियल की चटनी, और ये प्याज टमाटर की चटनी, और ये हमारा है सांभर। तो भैया उसके बाद मेरी प्लेट लग गई और उसके बाद हमने खाया पिज़्ज़ा डोसा, तो आप भी देख लीजिए यार, बहुत ही रसीला लग रहा है। बाकी खाते हैं पता करते हैं। पहले इस खूबसूरत पिज़्ज़ा डोसे की बारी है कि कैसा लगता है खाने के। तो गाइस बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा है, जैसे आप कोई भी पिज़्ज़ा खाते हैं उसी का पूरा पूरा टेस्ट वही मेरे को मिल रहा है इस डोसा में, और लग नहीं रहा कि हम डोसा खा रहे हैं। देखिए जो आप दूसरे पिज़्ज़ा खाते हैं उनका जो बेस होता है वो मैदे का होता है, और जो ये बेस है वो दाल और चावल से बना है, तो बोल नहीं सकते कि हम टेस्ट के मामले में ये पिज़्ज़ा लग रहा है डोसा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। बाकी सांभर टेस्ट कर लेते हैं भाई, सांभर डोसा एक इडली फिलहाल बहुत बढ़िया खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, जैसा सांभर होता है उससे बहुत ही अलग है, और गरम गरम ही आपको सांभर मिलेगा। इडली खाते हैं, बड़ी सॉफ्ट है, नारियल वाली चटनी तो हर जगह की बेस्ट होती है, पर यहाँ की कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, अलग फ्लेवर आ रहा है वाइट वाली चटनी का, और इनकी रेड चटनी खाते हैं, ये भी सही है, यहाँ की थोड़ी ग्रीन भी खा लेते हैं। ग्रीन चटनी में तो खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है भैया ने कहा था, हरी वाली चटनी में आपको प्याज के साथ इमली भी मिलती है, इसलिए खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, सारी चटनी का अलग अलग टेस्ट है, ये नहीं कि सबका सिमिलर है, अलग अलग टेस्ट है तीनों चटनी का। और ये दाल वड़ा में क्या क्या डालते हो? चने की दाल का होता है इसमें प्याज अदरक और हरी मिर्च। मेदू वड़ा का टेस्ट नेक्स्ट लेवल है, अगर मैं अपनी बात करूं तो पिज़्ज़ा डोसा कमाल का था, आप भी ट्राई कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो बहुत टेस्टी था। बाकी अगर आप नियर बाय NIT फैजाबाद में रहते हैं तो आप स्विगी और जोमेटो में भी ऑर्डर कर सकते हैं, बस आपको ज्योति साउथ इंडियन फूड आपको लिखना है, और बाकी आपको जोमेटो स्विगी पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आके खाइए, भैया का प्यार मिलेगा आपको, बाकी गरम गरम टेस्ट मिलेगा, और बाकी ठंडे मौसम में आपको गरम गरम सांभर खाने के लिए मिलेगा। तो भैया हमने अपना पिज़्ज़ा डोसा ख़त्म कर लिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना क्राउडेड हो गया है, बस 10 मिनट के अंदर ऐसा ऐसा क्राउडेड भर रहा है देखिए, और ये धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जाता है इनका। अगर मैं अपने डोसा पिज़्ज़ा की बात करूँ तो 120 रुपये का डोसा पिज़्ज़ा था इनका, और इनका इडली वड़ा और दाल वड़ा सब 50 रुपये के दो पीस मिलते हैं, बाकी आप सांभर और चटनी जितनी मर्जी चाहे उतनी खा सकते हो। मैं भैया यहाँ पे काफ़ी साल से आ रहा हूँ, टेस्ट सुपर है, मेरे को यहाँ का मसाला डोसा बहुत पसंद है। अच्छा जी, मेरी वाइफ इडली सांभर वगैरह वो बड़े शौक से खाती है। बाकी अभी आपने क्या ऑर्डर किया? अभी फिलहाल मैंने मसाला डोसा खाने के लिए भी किया है और पैक करने के लिए भी किया है। अगर लोकेशन की बात करूँ, सामने आपका BK पड़ता है, BK चौक से आप NIT की तरफ आएंगे, एक नंबर मार्केट की तरफ, तो बीकानेर के जस्ट सामने आपको ज्योति डोसा मिल जाएगा आपको। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर वेनसडे हमारी वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में इसमें बढ़िया बढ़िया वीडियोज आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।